नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप स्टॉक अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कैसे आप अपने अपस्टॉक डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका अपस्टॉक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अपस्टॉक एप्लीकेशन यहां पे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे क्या करना, आपका जो अपस्टॉक अकाउंट का जो भी 6 डिजिट का पिन होगा, यहां पे सिंपली क्या करेंगे, अपना पिन टाइप करेंगे। तो चलिए यहां पे मैं अपना पिन को टाइप कर लेता हूं। यहां पे अपना पिन को सही सही टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे अपना अपस्टॉक अकाउंट को क्लोज करने के लिए, हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए सिंपली आपको यहां पे सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका यहां पे अपस्टॉक अकाउंट में कोई भी माइनस बैलेंस नहीं है, कोई भी आपका यहां पे डिपॉजिट नहीं है, कोई भी आपका शेयर यहां पे बचा हुआ नहीं है, क्योंकि आप यहां पे सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना, यहां पे आपको देखने मिलेगा पोर्टफोलियो। बस क्या करना, आपको पोर्टफोलियो में क्लिक करना है। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। यहां पे क्या करना, अपना पोजीशन चेक कर लेना कि आपका यहां पे पोजीशन में कोई माइनस तो नहीं है, कोई शेयर तो बचा हुआ नहीं है। उसके बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा होल्डिंग्स। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस होल्डिंग्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपका अगर कोई भी होल्डिंग्स बचा हुआ रहेगा, शेयर बचा हुआ रहेगा या सेल करने या बाय करने के लिए, सिंपली यहां पे आपको सेल करना होगा होल्डिंग्स। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, अपना यहां पे होल्डिंग्स चेक कर लेंगे कि आपका यहां पे होल्डिंग्स तो कोई बचा हुआ नहीं है। उसके बाद यहां पे अपना होल्डिंग्स चेक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा नीचे फंड्स। बस क्या करेंगे, सिंपली अपना इस फंड्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अपना चेक कर लेंगे कि आपके यहां पे फंड बैलेंस या तो नहीं बचा हुआ, कितना भी बैलेंस बचा हुआ रहेगा यहाँ पे आपको क्या करना, अपना बैलेंस को यहाँ पे विड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ रहेगा या अगर यहाँ पे आपका बैलेंस माइनस में रहेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना, आपको पे करना होगा। अगर आपके यहाँ पे माइनस में रहेगा तो यहाँ पे आपका फंड को पे करना होगा। पे करने के बाद देन आप अपना अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरा जो है विड्रॉ करने का एक बैलेंस है 109.23 रुपीज़, यानी 109 रुपये यहाँ पे बचा हुआ, इसको मैं यहाँ पे विड्रॉ करना होगा। आप अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो अपना अकाउंट को जो क्लोज करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा यहाँ पे हमेशा के पे खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस आपको नहीं मिलेगा। तो आपका भाई जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे विड्रॉ कर लेना है। अगर विड्रॉ नहीं करना, अगर आप यहाँ पे अगर आपका माइनस में बैलेंस होगा, अगर माइनस में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पे करना होगा, तब देन आप अपना अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्लोज नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पोजीशन चेक कर लेंगे। आपका यहाँ पे पोजीशन तो कुछ नहीं बचा हुआ, यहाँ पे आपका पोजीशन चेक कर लेंगे, होल्डिंग्स चेक कर लेंगे, सारा कुछ चेक कर लेंगे और यहाँ पे अपना फंड को चेक कर लेंगे, देन आप अपना अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। तो यहां पे सारा कुछ चेक करने के बाद देन उसके बाद क्या करना गाइस, यहां पे आपको वॉच लिस्ट में आपको देखने मिलेगा, वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रोफाइल का लोगो। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस प्रोफाइल लोगो ऊपर में देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका नेम से बना हुआ रहेगा अपस्टॉक अकाउंट, यहाँ पे आपको नेम देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम के नीचे देखने मिलेगा माई अकाउंट, यहाँ पे आपको छोटा सा देखने मिलेगा माई अकाउंट। बस क्या करना है, सिंपली आपको इस माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट कर लेगा, यहाँ पे गूगल में डायरेक्ट करेगा। उसके बाद आपके सामने इस लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे अपना अपस्टॉक अकाउंट को क्लोज करने के लिए यानी बंद करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके यहां पे आपको नीचे आ जाना। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको क्या करना, नीचे आ जाना। जैसे आप यहां पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट क्लोजर, उसी के नीचे यहां पे आपको देखेंगे रेड कलर में देखने को मिलेगा क्लोज अकाउंट। बस क्या करना, सिंपली आपको इस क्लोज अकाउंट पे आपको सिंपली क्या करना, क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना, जो भी मोबाइल नंबर से आप स्टॉक अकाउंट बनाए होंगे, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा गेट ओटीपी। बस क्या करना, सिंपली आपको इस गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, जो भी नंबर दिए होंगे उस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। अगर आपका नंबर नहीं है लगा हुआ, आपका मेल में भी सेंड किया जाता है सेम ओटीपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी को फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना, सिंपली आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इंटर 6 डिजिट पिन, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी पिन होगा 6 डिजिट का, यहाँ पे अपना पिन को टाइप करेंगे। अगर आप अपना पिन भूल चुके हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखने मिलेगा फॉरगेट पिन, यहाँ पे क्लिक करके अपना पिन
पता कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे पिन मुझे यहाँ पे पता है, मैं अपना यहाँ पे पिन को टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना 6 डिजिट का पिन टाइप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे कंटिन्यू, बस क्या करना आपको सिंपली इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आपका UCC और यहाँ पे आपका पेन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यू हैव नो होल्डिंग रिमेनिंग, यानी मेरा जो होल्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे योर बैलेंस इज क्लियर, यानी मेरा बैलेंस भी यहाँ पे क्लियर हो चुका। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे देखने मिलेगा आपको थर्ड नंबर में सेलेक्ट अ रीजन टू क्लोज अकाउंट, यानी अपना अकाउंट यहाँ पे क्लोज क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक रीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सेलेक्ट अ रीजन, बस क्या करना आपको सेलेक्ट अ रीजन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा रीजन देखने को मिल जाएगा, इनमें से आपको जो भी रीजन यहाँ पे आपको समझ में आया तो यहाँ पे अपना रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे नो टाइम टू फोकस ऑन ट्रेडिंग, तो मैं यहाँ पे आपका अपने हिसाब से मैं अपना नीचे वाला नो टाइम टू फोकस ऑन ट्रेडिंग में क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना अपने अनुसार आपको जो भी रीजन समझ में अपना रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना सारा कुछ चेक कर लेंगे आपके यहाँ पे बैलेंस क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपका सारा कुछ क्लियर रहेगा तो यहाँ पे आपको यहाँ नीचे देखने मिल जाएगा यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे आ जाएगा देखने के लिए क्लोज अकाउंट। अगर आपका यहाँ पे सारा कुछ क्लियर नहीं रहेगा, आपका बैलेंस अगर माइनस में है, अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लोज अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ, मेरा होल्डिंग्स भी क्लियर है, मेरा बैलेंस भी क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ मेरा यहाँ पे क्लियर है। क्लियर यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद उसके बाद देन क्या करना आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा क्लोज अकाउंट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस क्लोज अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लोज अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना, उसके बाद यहां पे आप देखेंगे योर रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट क्लोजर बीन प्रोसीड इट विल टेक 7-8 working days, यानी मेरा जो यहां पे अकाउंट है हमेशा के लिए यहां पे क्लोज करने का रिक्वेस्ट यहां पे दे दिया गया, यानी मेरा जो यहां पे 100% यहां पे क्लोज हो चुका, जो कि लगभग यहां पे 7 से 8 days, यानी 7 से 8 दिन के अंदर अंदर जो मेरा यहां पे आप स्टॉक अकाउंट है यहां से क्लोज हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से इस तरह से आप यहां पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं और यहां पे आपका जो अकाउंट होगा लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका आप स्टॉक अकाउंट यहां से परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद क्या करना आपको सिंपली आपको मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना, यहाँ पे आपको हटा देना। उसके बाद यहाँ पे अपना आप स्टॉक दोबारा अकाउंट को लॉगिन नहीं करना। लॉगिन आपको कब करना है, 10 से 15 दिन के बाद अपना अकाउंट जो लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, आपका अकाउंट वहाँ से क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट जैसे बंद कर दिए, बंद करने के बाद दोबारा यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। इसलिए अपना अकाउंट जब भी यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद लगभग आपको 10 से 15 दिन के बाद अपना अकाउंट जब लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से अपना अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं अपने अपस्टॉक डीमैट अकाउंट को। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।